अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ चांदी खुरमा। चांदी खुरमा बिल्कुल ख़ास ओकेशन पे आप बनाइए, एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल रेयर रेसिपी है। तकरीबन हम कॉमन रेसिपीज बनाते रहते हैं, ये हटके है। इसके साथ आप काजू राइस वगैरह खाना बना सकते हो, और रोटी भी, कोई भी रोटी, आप रुमाली रोटी और पराठे कुछ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ आधा किलो चिकन और इसको वॉश कर ली हूँ। और इसके लिए मैं ली हूँ एक 20 से 25 बादाम और इसका छिलका निकाल कर रख ली, 7-8 हरी इलायची का पाउडर बना ली और एक 4 से 5 हरी मिर्चियों को पेस्ट बना ली। और ये वाइट पेपर पे है, वाइट पेपर पाउडर है, और ये गुलाब के सूखे पत्तियाँ हैं। ये 200 ग्राम खोवा है, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन है, 2 टीस्पून नमक है, और ये क्रीम है। ये तो घर की क्रीम है जो मतलब जम जाती है गाढ़े दूध पर। फ्रिज में आप रखने का जो ऊपर क्रीम बन के आती वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो आप बाहर की क्रीम, अमूल क्रीम, कुछ भी, कोई भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। ये 2 बड़े प्याज के साइज़ को बारीक ऑमलेट कट कर लीजिए, और 200 ग्राम ये दही है, गाढ़ा दही है, और उसको फेंट के रख लीजिए। और ये चांदी का पेपर, चांदी का वरख। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून भर के नमक और 2 टीस्पून अदरक लहसुन और वाइट पेपर। ये तीन चीज़ों को पहले हम अच्छे से लगा लेंगे। अब इसमें लगाएंगे दही, इसको अच्छे से दही डालने का अच्छे से मिला लेंगे, और इसको एक 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढाप के। ये 20 मिनट मुकम्मल हो गए और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया, और जो मैं बादाम बताई इसका पेस्ट बना कर रख लेंगे। चलिए मैं कढ़ाई रख दी और इसमें डाली एक 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा कम डाली क्योंकि जब क्रीम डालेंगे और बादाम का पेस्ट डालेंगे तो मलाई इसमें से ऑयल छूटता। हाँ, मैं ऑयल डाली, अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल रेयर और ऑथेंटिक रेसिपी है, और चाहे तो आप घी डाल के भी इसको पका सकते हैं। और प्याज पर ज़्यादा डाल करना नहीं है, बिल्कुल हल्के से ट्रांसपेरेंट होने तक और इसका कच्ची स्मेल जाने तक इसको पकाएंगे। बादाम का पेस्ट, चलिए हल्की सी ट्रांसपेरेंट भी हो गई और इसे कच्ची स्मेल चली गई। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, तो भी थोड़ा सा पका लें। अब थोड़ा सा कुछ सेकेंडों तक पकाएंगे हरी मिर्च डालने का, तब खोवा डालेंगे। खोवा डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए मैं इसको पका ली। अब इसमें डाल देंगे चिकन, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूँ, और चिकन में से और दही में से भी पानी छूटता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और 5 मिनट तक इसको तेज़ फ्लेम पे पका लेंगे। चलिए 5 से 6 मिनट तक मैं इसको तेज़ फ्लेम पे पकाए, अच्छे से इसमें उबाल आ गया। अब फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, धीमा करके 10 मिनट ये धीमे फ्लेम पर ढाप के छोड़ देंगे। अब इसको चिकन को करीब 50-60% गला लेंगे, जो बाकी का गलने का रहता वो दूसरे स्पाइसेस डाल के गलाना है, लास्ट में दम पे डालेंगे स्पाइसेस। 10 मिनट के लिए धीमे पे छोड़ देंगे। 10 मिनट तक मैं धीमे फ्लेम पे रखी, 10 मिनट हो गए। थोड़ा सा मैं ये कढ़ाई को चेंज कर रही हूँ, कंजेस्टेड हो गया ये, इसलिए मैं आपको बता के चेंज करूँ, बाद में कमेंटों में। चलिए जो आगे थोड़े मसाले जो हम बचा लिए थे वो डालेंगे। चिकन जैसे 60% गल चुका है, अभी इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर और सूखे गुलाब की पत्तियाँ, इसको क्रश हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे अच्छी स्मेल आती है। और ये जो हम बादाम का पेस्ट बनाए थे, बादाम का पेस्ट, इस सारी चीज़ें डालें, क्रीम बाकी है, क्रीम डाल देंगे।
चलिए, इसमें पानी ज़्यादा है इसलिए इसको तेज़ फ्लेम पे पका लेंगे। अब बीच बीच में चेक करना, एक से दो बार मिला लेना। तेज़ फ्लेम पे मैं पका लिया और पानी तकरीबन सुखा लिया। उसके बाद एक 5 मिनट धीमे फ्लेम पे छोड़ दी। चलिए, हमारा चांदी कौरमा तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी को हम कितनी रखेंगे। फ्लेम को मैं बंद कर दी, डिश में निकाल के आपको बताऊँगी। बिल्कुल एक हटके टेस्ट है, एक बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छा है। चलिए, मैं डिश में निकाल दिया। अब सबसे पहले हम इसको चांदी का वरख लगाएंगे। और इस पर डालने हैं कुछ कटे हुए पिस्ते के टुकड़े और बादाम। अब इस पर डालेंगे गुलाब के पत्तियाँ। ये गुलाब के पत्तियाँ बिल्कुल कम डालेंगे और ये देसी गुलाब के पत्तियाँ डालेंगे। सेंटेड गुलाब के पत्तियाँ डालें तो कड़वा बनाता, कड़वे रहते हैं। चलिए, मेरी चांदी खुरमे की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। एक बार ज़रूर बनाइए, आप टेस्ट करिए, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।